क्वेश्चन नंबर है सिक्स। अच्छा क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है, फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स, तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स एक्स। अच्छा जो जो हमें गिवन है वो पहले हम लिख लेते हैं। तीन पॉइंट्स हमें गिवन है, ए पॉइंट अंडर रूट थ्री कॉमा माइनस वन, बी पॉइंट गिवन है और उसके वर्टिसेस हैं जीरो कॉमा टू, और सी पॉइंट का हमें गिवन है उसके वर्टिसेस हैं एच कोमा माइनस टू, और उसके साथ हमें बताया हुआ है कि द राइट एंगल इज़ एट वर्टेक्स ए। राइट एंगल जो बन रहा है वो वर्टेक्स ए पे बनेगा, राइट एंगल इज एट वर्टेक्स ए। अच्छा मतलब ये दो चीज़ें दी हैं कि एक तो तीन पॉइंट्स हमें गिवन हैं जिससे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, और दूसरा ये कि उस राइट एंगल ट्राइंगल में जो वर्टेक्स ए है उस पर राइट एंगल बनेगा, मतलब 90 डिग्री एंगल जो है वो राइट एंगल वो वर्टेक्स ए पे बनेगा। और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड एच, सी जो वर्टेक्स है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो एच है, वो हमें नहीं पता, वो एक जनरल हमें दिया हुआ है कि एच कॉमा माइनस टू, इसमें वाई कोऑर्डिनेट जो है वाई माइनस टू है और एक्स कोऑर्डिनेट एच है, वो एच हमने फाइंड करना है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, आप थोड़ा सा रिकॉल करें, अगर 4.1 की 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट 1, उसमें हमने पढ़ा था एक राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो थोड़ा सा रिकॉल करें वो क्या थी। चलिए मैं बताता हूँ कि वो प्रॉपर्टी थी कि हर राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो किसको सेटिस्फाई करता है, पिथागोरस थ्योरम को, और पिथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अच्छा अब पहले तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, जिसके तीन वर्टिसेस हैं ए बी और सी। ए के वर्टिसेस, ए के कोऑर्डिनेट्स जो हैं अंडर रूट थ्री कोमा माइनस वन, और बी जो है जीरो कोमा टू, और साथ में सी के जो है एच कोमा माइनस टू। अच्छा इसमें से हमने एच फाइंड करना है और ए पे जो है वो राइट एंगल है ये। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बेस कौन सा है और जो है परपेंडिकुलर कौन सा है। तो 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट साइड जो बन रही है ये बी सी, वो जो है वो हाइपोटेन्यूज है, बाकी ये बेस बन गई और ये ए सी जो है वो परपेंडिकुलर बन गया। अब हम इस पे पिथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पिथागोरस थ्योरम के लिए हमारे पास जो है हाइपोटेन्यूज यानी कि बी सी का डिस्टेंस होना चाहिए। बी सी का डिस्टेंस हम डिस्टेंस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बी सी हम फाइंड करते हैं, बी सी जो है बी सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के बराबर है, इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे एच कोमा ज़ीरो का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस टू कोमा माइनस टू का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अच्छा अब इसको अगर हम सॉल्व करें, बल्कि सॉल्व करने से पहले हम सब साइड्स निकाल लेते हैं। बी सी हमने कैलकुलेट कर लिया, इसी तरह ए बी हम कैलकुलेट करते हैं। ए बी मॉड यानी कि ए बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, इस पर भी डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, ज़ीरो माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टू माइनस इन टू माइनस वन हो जाएगा, फिर वो प्लस बन जाएगा टू प्लस वन का स्क्वायर अंडर रूट। इसी तरह ए बी भी आ गया, बी सी भी आ गया, ए सी रह गया। ए सी हम कैलकुलेट करते हैं, ए सी का मॉड
इज़ इक्वल टू, वो बनेगा एच माइनस अंडर रूट थ्री, एच माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अच्छा, ए बी जो था वो है बेस, ए सी जो है वो परपेंडिकुलर। अब वो हम इसको पुट कर देते हैं पिथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या थी, बी सी जो है वो है एच माइनस ज़ीरो, एच माइनस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, और साथ में इसका स्क्वायर है तो हम ये स्क्वायर ले लेते हैं, इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस जो है वो ए बी है और उसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टू प्लस वन का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। इसी तरह इसमें प्लस आगे है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बल्कि इसका भी स्क्वायर है। अच्छा, आगे है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो है वो ए सी के बराबर है जिसकी वैल्यू है एच माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस टू प्लस वन का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये आपको नज़र आ रहा है एच माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस टू प्लस वन का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और उसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। अच्छा, अब ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, हर एक स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो पीछे जो हमारे पास बचेगा एच माइनस ज़ीरो, एच ही होता है उसका स्क्वायर प्लस माइनस टू माइनस टू माइनस फोर बनते हैं क्योंकि दोनों साइन सेम हैं तो ऐड हो जाएंगे और साइन जो है वो माइनस ही रहेगा, उसका स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टू प्लस वन जो है वो थ्री हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर प्लस एच माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, एच माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। आगे है प्लस माइनस टू प्लस वन, माइनस वन बन जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे, एच स्क्वायर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर, माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर जो है वो सिक्सटीन हो जाएगा इज इक्वल टू, और ये माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, इसको अगर वैसे सॉल्व करें तो माइनस का स्क्वायर जो है प्लस हो जाएगा और अंडर रूट थ्री का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो थ्री बचेगा, प्लस थ्री का स्क्वायर थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री इज़ नाइन, प्लस एच माइनस अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर, इस पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, वो क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये फार्मूला था, और ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर ए जो है वो एच है और बी जो है वो अंडर रूट थ्री है, तो इसमें आ जाएगा एच का स्क्वायर प्लस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट थ्री एच, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये अप्लाई हो गया फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर का,
और माइनस वन का स्क्वायर सेम माइन वन आ जाएगा। अच्छा, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, एच स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 9 प्लस 3 इज 12, 12 प्लस 1 13, प्लस जो ब्रैकेट में है उसको ओपन कर देते हैं, एच स्क्वायर और ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 बन जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 3 एच। ये इक्वेशन बन गई सिंप्लीफाई होके। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एच स्क्वायर ये नीचे आ गया और ये एच स्क्वायर यहाँ पर ऐड हो रहा है, इस साइड पे लाके हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एच स्क्वायर आगे 13 प्लस 3 इज 16 और माइनस 2 अंडर रूट 3 एच, इस एच स्क्वायर को हम यहाँ ले गए। अच्छा, अब यहाँ से एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा और ये 16 माइनस 2 अंडर रूट 3 एच। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कि इस 16 को हम इस साइड पे लेके आएंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस 16 हो जाएगा, इस 16 को हम यहाँ लेकर आए हैं और इस एच स्क्वायर को यहाँ लेकर गए थे। अच्छा, 16 माइनस ये भी 16 हो गया, ये दोनों एक प्लस में 16 है एक माइनस में 16 है, दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास जो पीछे बचा 0 इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 3 एच। अब यहाँ से h जो है हम एक साइड पर रहने देते हैं, h इसी साइड पर रहने देते हैं, बाकी जो है ये पार्ट जो है माइनस 2 अंडर रूट 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम दूसरी साइड पे लाकर डिवाइड कर देते हैं, 0 डिवाइडेड बाय माइनस 2 अंडर रूट 3 एच, 0 के साथ जो भी डिवाइड हो रहा हो रिजल्ट 0 ही आता है, 0 इज इक्वल टू एच, मतलब कि एच की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है जो कि हमने कैलकुलेट करनी थी इस क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, फाइंड एच सच दैट ए बी सी आर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तीन पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, ए पॉइंट में है हमारे पास माइनस वन कॉमा एच, बी पॉइंट हमें दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2 और सी पॉइंट दिया हुआ है, सी पॉइंट में 7, 3 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और हमने एच फाइंड करना है जो कि ए का वाई कोऑर्डिनेट है और साथ में बताया हुआ है दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है? अगर मैं कहूँ कि ये एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये चारों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये चारों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पे लाया करने वाले सब पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि इसके बाहर एक पॉइंट है तो ये पॉइंट इन चारों पॉइंट्स के कोलिनियर नहीं है क्योंकि ये उस लाइन पे लाई नहीं कर रहे जिस पे ये लाई कर रहे हैं खुद से। अच्छा, अब हम देखें कि एक लाइन जो है उसकी स्लोप, पूरी लाइन की स्लोप एक ही होती है, तो अगर दो पॉइंट्स से हम स्लोप फाइंड करें इस लाइन की, दो पॉइंट से एक लाइन की स्लोप फाइंड हो सकती है, तो दो पॉइंट से हम फाइंड करेंगे उसकी स्लोप और फिर हम बाकी दो पॉइंट्स की स्लोप फाइंड करेंगे, अगर वो सेम हुई तो मतलब कि ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या हैं, कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं क्योंकि उनकी स्लोप सेम है। अच्छा, अब ए पॉइंट, इसी तरह हम एक लाइन लेते हैं, ये एक लाइन है, यहाँ पर ए पॉइंट पड़ा हुआ है जिसके वर्टिसेस हैं माइनस वन कॉमा एच,
और उसी तरह पॉइंट बी ले लेते हैं, ये ए पॉइंट था, ये पॉइंट बी जिसके वर्टिसेस हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2, और एक और पॉइंट हमें जो गिवन है सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 3। हमें बताया हुआ है कि ये कोलिनियर हैं, तभी मैंने इसको इन तीनों पॉइंट्स को एक ही लाइन पे रखा है। ठीक, अब देखें ए और बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से हम स्लोप फाइंड करते हैं इस लाइन की। स्लोप क्या होते हैं? स्लोप उर्दू में इसे ढलवान कहते हैं, और इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, बताना चाहें कि स्लोप किस तरह से निकाली जाती है, क्या होती है, जो कि वो है राइज ओवर रन, मतलब कि कितनी ऊंचाई है उसकी रेशो रन, कितना हॉरिजॉन्टल फ्लो है उसका। ठीक, कितना ऊपर को जा रहा है, ये एक लाइन है, इसमें फॉरवर्ड भी मूव हो रहा है और अपवर्ड भी, मतलब कि ये फॉरवर्ड मूवमेंट है और ये अपवर्ड मूवमेंट है। इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने के लिए इतना चलना भी पड़ेगा और इतना अपवर्ड भी जाना पड़ेगा, तो ये होती है स्लोप, मतलब फॉरवर्ड भी, रन भी और राइज भी, हाइट भी उसकी। तो राइज ओवर रन, राइज हम कैसे निकाल सकते हैं? एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में देखा जाए, हाइट कौन मेजर करता है? वाई एक्सिस, क्योंकि वो वर्टिकल होता है। और फॉरवर्ड रन कौन कैलकुलेट करता है? वो है एक्स एक्सिस, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। जिस तरह की ये एक लाइन है, इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएं तो रन आता है, और वर्टिकल जाएं, वाई एक्सिस के पैरेलल जाएं तो राइज आता है। तो हम ये फाइंड कर सकते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप। लेट्स सपोज इसकी, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन वाई वन, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये पी वन है, ये पी टू है, एक्स टू वाई टू इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसकी हमने स्लोप फाइंड करनी है इस लाइन की, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? राइज, राइज ओवर रन। राइज क्या होता है? y का डिफरेंस, y2 टू माइनस वाई वन, या फिर y1 वन माइनस वाई टू। ठीक है, उससे हमें राइज पता चल जाएगा, कितना राइज आ रहा है, कितना वर्टिकल हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है। तो उसके बाद रन, रन जो मैंने पहले बताया कि x एक्सिस के अलॉन्ग होता है, मतलब उसके x कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस क्या आएगा? x2 माइनस x1। अगर आपने ऊपर y2 माइनस वन माइनस y1 रखा है तो नीचे आप रखेंगे x2 माइनस x1, अगर आपने ऊपर y1 माइनस y2 रखा है तो नीचे आप रखेंगे x1 माइनस x2। ये बनता है राइज ओवर रन, और इसे हम स्लोप फाइंड करते हैं। तो इसी तरह अब हम अपने एग्जांपल, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ए और बी दो पॉइंट्स हैं, इसकी हमने स्लोप फाइंड करनी है, तो हम इसके पहले तो y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेंगे। y कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इसका 2 है, इसका h है, तो 2 माइनस h करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? रन, मतलब x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 3 माइनस माइनस 1। पहले हमने इसका कोऑर्डिनेट लिया था 2 माइनस h, इसलिए नीचे भी हम इसी का पहले कोऑर्डिनेट लेंगे, x कोऑर्डिनेट। तो ये बन जाएगा 2 माइनस h डिवाइडेड बाय 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस 1। ये बन गई स्लोप, को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, ए बी इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप ऑफ ए बी। अच्छा, अब स्लोप हम लेते हैं b और c की। b और c दो पॉइंट्स हैं जो कि कोलिनियर है, इनकी भी स्लोप लेते हैं, स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू। इसी तरह हम राइज ओवर रन से फाइंड करेंगे y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज 1, और 7 माइनस 3 इज 4, 1/4। अच्छा, अब हमें कहा गया था कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं
वो कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे लाए कर रहे हैं। तो एक ही लाइन पे लाए कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि उन दोनों इन तीनों की स्लोप सेम होगी, उस लाइन की स्लोप हर जगह सेम होगी क्योंकि एक लाइन की एक ही स्लोप होती है। तो फिर जो मैंने स्लोप निकाली पहले दो पॉइंट से वो बराबर होनी चाहिए उस स्लोप से जो मैंने दूसरे दो पॉइंट्स की निकाली है, मतलब कि ये दोनों स्लोप्स आपस में बराबर होनी चाहिए। तो इसको हम इक्वल रख लेते हैं क्योंकि ये कोलिनियर हैं। 2 माइनस h इज़ इक्वल टू 4 इज़ इक्वल टू 1/4। इनको हमने इक्वल क्यों रखा, क्योंकि दोनों स्लोप्स एक ही लाइन की हैं, एक ही लाइन की हैं, इसलिए हमने इसको इक्वल रखा क्योंकि दोनों स्लोप्स इक्वल हैं। अच्छा, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं h की वैल्यू, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन को, 2 माइनस h/4 / 4 एंड 1/4 इज मल्टीप्लाइड बाय 4। 4 से दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 4 कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास फिर क्या बचा, 2 माइनस h इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर अगर हम माइनस एच को यहाँ पर रहने दें और 2 को इस सेट पे लेके जाएं, 1 माइनस 2 आ जाएगा। 1 माइनस 2 क्या होता है, डिफरेंस है, दोनों पॉइंट दोनों जो हैं साइंस डिफरेंट हैं इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 माइनस 1 1, और साइन जो है बड़े का लगेगा, यानी कि माइनस जो है 2 के साथ है, -1। इस तरह दोनों साइड्स को -1 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, -1 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, -1 × -h = -1 × 1 इज़ 1। ये आ गई हमारे पास h की वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड थी।